लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए बिहार में चिराग पासवान और पशुपति पारस में किसे तरजीह देगी बीजेपी। नमस्कार, मैं हूँ राधव और द खबर द न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बिहार के एनडीए घटकों का जटिल जाल सत्ता की प्रतिरोधक खींचतान को दर्शाता है, जो अंतर्निहित दरारों के बावजूद पार्टियों को एक साथ लाता है। राजनीति परिदृश्य जटिल है, खासकर चिराग और पशुपति नाथ पारस के लिए सीट आवंटन का निर्धारण कर चुनाव में एकजुट एलजीपी ने 40 में से 6 सीटें हासिल की थी। चाचा भतीजे के पारस पर विरोध दावों के बीच बीजेपी आलमान के सामने एक चुनौतीपूर्ण सवाल है। पशुपति पारस ने अपने बिहार की राजनीति गणना में जटिलता की एक परत जोड़ते हुए चिराग की एनडीए उपस्थिति पर उठाया सवाल। सुनते हैं आखिर क्या है पशुपति पारस ने दिया। जमुई के सांसद रहे, दसवां वर्ष चल रहा है, आपने जमुई की जनता के साथ विश्वासघात कर दिया, क्या जमुई की जनता माफ करेगी? और ये फुलबैया हवा बहता है, तो जमुई की जनता माफ नहीं करेगी तो पूरे बिहार के कोई भी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से चिराग पासवान लड़ेंगे। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ कि आज लोकसभा का मेंबर नहीं होगा 2024। और मैं चुनौती देता हूँ, हाजीपुर मेरा कर्मभूमि है, 77 से लेकर आज तक मैं हाजीपुर की सेवा किया हूँ। पासवान जी ने जाते जाते इसको अपना पदाधिकारी बना करके चुनाव जिता करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अपना भेजा। आज कहीं भी उनकी आत्मा होगी वहीं से वो आशीर्वाद देते होंगे। निश्चित रूप से मैं हाजीपुर से लड़ूंगा, जो हमारे खिलाफ उनका उड़ेगा मैं उसकी जमानत जब्त करा दूंगा। हाजीपुर की जनता उसकी जमानत जब्त करा दूंगा। आपको चिराग का बयान कुछ पता है? आपने सब कुछ बुरा नहीं मानिएगा, परसों भी चिराग पासवान ने बयान दिया है कि मैं अभी तक किसी गठबंधन में नहीं हूँ। जैसा बगल अभी वैसा है, वो वैसा जैसा मैं किसी गठबंधन में नहीं हूँ और मैं सब पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। जब चुनाव का समय आएगा तब मेरा फैसला होगा कि मैं बाएं जाएं या दाएं जाएं। सुन लीजिए, पासवान जी जब आम सभा में बोला करते थे तो उनको याद है कि कहते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि मैं बाएं जाऊं या दाएं जाऊं। इन्हों का भी करीब करीब उसी हिसाब से है कि ये तेजस्वी यादव से भी बात करते हैं, लालू यादव को कहते हैं कि हमारा गार्जियन है, तेजस्वी को कहते हैं मेरा छोटा भाई है। आज तक हमको एक बात बताइए, 2020 के चुनाव से लेकर अभी तक एक बार भी चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव जी का या तेजस्वी का विरोध किया? ये बताइए, आप ही लोग बताइए, नहीं किया। और आज तक एनडीए गठबंधन एनडीए की जो बैठक होती है क्या चिराग पासवान को बुलाया जाता है? नहीं। और कल भी उन्होंने बयान दिया है, आज दैनिक भास्कर में हमें पढ़ने को मिला है कि हम तब तक किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे जब तक कि हमको लोकसभा का सीट और विधानसभा का सीट फाइनल नहीं हो जाए। बात समझिए, इसलिए आप बाएं जाएं दाएं नहीं जाएं। चिराग पासवान ने भी कुछ वक्त पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। चिराग का भी दावा 6 सीटों पर है। आपने तस्वीरों का जिक्र किया, मुझे लगता है तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटनाचक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के क्या सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं। आज इतना जरूर है कि मेरे और इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था, ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सरकार है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूँ कि परिस्थितियाँ गठबंधन को देखकर काफी सकारात्मक। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न हैं उनको जरूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी, उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोगों के सामने रखेगी।